हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ड्यू टू डाइपोल पिछली वीडियो में हमने एक्सियल लाइन पे फील्ड निकाली थी, अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जो डाइपोल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी उसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। जैसे ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री पे है ना, तो इसे मैं बोलता हूं इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने एक पी पॉइंट सपोज कर लिया है जहां पे मैं इस डाइपोल की फील्ड निकालूंगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था एक्सियल लाइन में, तो वैसे ही करेंगे। प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू की जो फील्ड है वो पी पॉइंट पे निकालेंगे और फिर नेट फील्ड निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले पॉजिटिव चार्ज की फील्ड निकालते हैं। तो फील्ड कैसे आती है, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो उसी लाइन में फील्ड आ जाती है, तो इसे मैं ई वन बोल देता हूं। ठीक है, तो ये बाहर की ओर है, क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है हम सपोज करते हैं हमेशा पॉजिटिव वन सपोज करते हैं। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो है आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड जो है वो इनवर्ड होती है। ठीक है, तो इसे मैं E2 सपोज कर लेता हूं। तो पहले हम E1 E2 का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो वो क्या आता है आपको पता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस लिखना है। तो अभी मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, बी पी स्क्वेयर। ठीक है, बच्चे यहां पे गलती कर जाते हैं, वो क्या लिखते हैं, ओ पी स्क्वेयर। ठीक है, ये गलती नहीं करनी, बी पी स्क्वेयर लिखना है। क्यों, क्योंकि हम फील्ड पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। किसकी वजह से निकाल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं ना। सो ये डिस्टेंस आएगा दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो बी पी स्क्वेयर इज द डिस्टेंस। अभी ई टू फील्ड लिखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी स्क्वेयर। ठीक है, तो अभी मैंने बीपी और एपी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो मुझे पता है ये डिस्टेंस जो है वो ए है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है मैंने बीपी और एपी। ठीक है, तो अगर मैं दोनों डिस्टेंस सेपरेटली लूं तो मेरे पास दो वेरिएबल्स आएंगे, तो दो को मैंने रिड्यूस करना है एक वेरिएबल से। तो यहां पे मुझे पता चल रहा है ये दोनों ट्राइंगल्स बन रही हैं, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो मैं अगर इस डिस्टेंस को ओपी को आर कह दूं तो मेरे पास दोनों डिस्टेंसेस आ जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा मैं, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहां पे भी क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोनों फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, बट डायरेक्शन सेम नहीं है। अभी नेट फील्ड निकालने के लिए हम दो थ्योरीज को यूज कर सकते हैं, या तो हम वेक्टर यूज करें, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें, पैरेललोग्राम थ्योरम यूज करें, या दूसरा तरीका है हम दोनों वेक्टर्स को रिजोल्व कर दें और रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में। ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स को सॉल्व करें और नेट फील्ड निकालें। ठीक है, तो मैं पहले जो है वो आपको करके दिखाऊंगा वेक्टर लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, रेजोल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, फिगर मैं आपको बता दूंगा कैसे रेजोल्यूशन थोड़ा सा स्टार्ट करना है। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे लगता है, मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं आपको कि याद आ जाएगा आपको। अगर दो वैक्टर्स हैं मेरे पास, ए वैक्टर और बी वैक्टर, ये दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो इसका डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। और जो थीटा एंगल है वो क्या, वो कितना होता है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा होता है। ठीक है,
तो यहां पे मुझे निकालना पड़ेगा दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। सो फाइनल जो है मुझे ई वेक्टर निकालने के लिए रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा निकालना पड़ेगा, तो मुझे थीटा कैसे पता चलेगा अभी अभी थीटा सपोज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, कैसे हम सपोज करते हैं। अभी ये देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो या तो मैं ये थीटा सपोज कर लू, ये एंगल थीटा सपोज कर लू, या तो मैं ये एंगल थीटा सपोज कर लू, दोनों में दोनों से आ जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में ये एंगल सपोज करके निकाला हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो रट्टा वाली जो थिंकिंग है वो तोड़ने के लिए मैं ये एंगल सपोज करता हूं थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि जैसे बुक में है वैसे ही निकाला जा सकता है, उसी को थीटा माना जा सकता है, वैसे ही निकलेगा, वरना तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं इसे थीटा मान रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसे थीटा मान रहा हूं तो ये भी तो थीटा होगा, ठीक है। क्यों थीटा होगा? बिकॉज दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो सेम है, ठीक है। दोनों की साइड सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है, परपेंडिकुलर आर है, कॉमन है, ये लेंथ भी सेम है और ये लेंथ भी सेम है। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ओके। तो अभी देखते हैं दोनों में एंगल कितना है। इसके लिए मैं इसे डिवाइड कर देता हूं 90 में, ठीक है। मैं अपने ओर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, वैसे ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स थे इसलिए ये भी थीटा, ये 90 डिग्री था, सो टोटल 90 है, एक एंगल इसका थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वैसे यहां पे भी ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ओके। सो अभी क्या करते हैं, हम देखते हैं, मेरे पास पता चल गया मुझे कि टोटल एंगल कितना है। टोटल एंगल मेरे पास है 180 माइनस 2 थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच में, ओके। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ 180 माइनस 2 थीटा। ओके, ये है कॉस 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो आपको पता है कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो कॉस 180 माइनस 2 थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये देखिए अभी E1 और E2 सेम है ना, तो मैं यहां पे E1 ही लिखूंगा, ओके। सो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव होता है, और 180 से माइनस कर रहे हैं तो जो साइन है वो सेम रहता है, आपने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहां पे अभी और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मैं 2E1 को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। सो 2E1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा मेरे पास, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2E1 साइन थीटा, ठीक है, सॉल्व करके ये आ जाएगा ना, बिकॉज मैं यही ये क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा ये, ठीक है, 2 4 अंडर रूट, ठीक है, 2 आ गया, स्क्वायर हट गया अंडर रूट से, फिर से स्क्वायर हट गया अंडर रूट से, तो मेरे पास ये ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी मैं मुझे चाहिए साइन थीटा और E1, तो मैं दोनों की वैल्यूज निकाल के भर दूंगा,
फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या है, 2E1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो E1 क्या था, E1 की वैल्यू थी क्यू बाय 4πε0r² + a². ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां इस ट्राइंगल से, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर सामने वाला थीटा के, सो ए हाइपोटेन्यूज आपको पता है कितना है, r² a² का अंडर रूट। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास फाइनल जो फील्ड आ गई है वो क्या आ गई है, q (2a/4πε0r² + a²³). ठीक है, तो अभी ये देखिए ये क्या है, ये डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट है ना, हम डायपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं ना, फॉर्मूला q (distance) दैट इज 2a, तो ये क्या आ गया मेरे पास, डायपोल मोमेंट। सो ये मेरे पास फील्ड है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ठीक है, तो अभी अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग में देखूंगा, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैं देखता हूं किस ओर है, तो डायपोल मोमेंट देखिए, डायपोल मोमेंट जो है इस ओर है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना डायपोल मोमेंट, तो जो फील्ड आ रही है मेरे पास वो इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, जब भी मैं इसे क्लब करूंगा तो इस डायरेक्शन में फाइनल फील्ड आएगी, ठीक है, तो जो फाइनल फील्ड आ रही है वो इस डायरेक्शन में है और जो डायपोल मोमेंट है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे अगर मैं नेगेटिव लगा दूं, ठीक है, तो इट मींस जो फाइनल फील्ड है वो डायपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो बुक में ये थीटा लेते हैं, यहां पर मैंने ये थीटा लेके रिजल्ट निकलवा दिया, ठीक है, तो अभी हम स्पेशल केस करेंगे फॉर शॉर्ट डायपोल, ठीक है, फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल में क्या होता है, आर जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होता है, ठीक है, अगर आर जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन डायपोल लेंथ 2a है, ठीक है, तो ये जो है हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आर जो है बहुत बड़ा है ए से, तो उसका स्क्वायर भी और बड़ा होगा, ठीक है, सो ए जो है निग्लेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास जो डायपोल मूवमेंट आएगी वो आएगी नेगेटिव पी बाय 4πε0r³, ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट है इक्वेटोरियल का फॉर शॉर्ट डायपोल, ठीक है, तो अभी सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, सेकंड मेथड कैसे करते थे, सेकंड मेथड मैंने कहा था रेजोल्यूशन से करना है हमने, ठीक है, तो आपने क्या करना है, E1 वेक्टर को और E2 वेक्टर को रिजॉल्व कर देना है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो कुछ ऐसे फिगर बनेगी, तो जब मैं E2 को रिजॉल्व करूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो थीटा की डायरेक्शन में क्या आता है, E2 cos θ, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा मेरे पास, E2 sin θ, ठीक है, वैसे ही E1 को रिजोल्व कर लो, E1 को रिजोल्व करोगे तो E1 cos θ, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास आ जाएगा E1 sin θ, ठीक है, जब आप दोनों को क्लब करोगे, ये E1 और E2 जो है वो सेम है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचा ये कंपोनेंट, तो फाइनल जो मेरे पास फील्ड आएगी वो क्या आएगी, 2E1 sin θ, ठीक है, ये सेम है ना, तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, कौन सा आपको अच्छा लगता है वो आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।